दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश से हैं और दुनिया के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर माने जाते हैं। वे दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी की टॉप 3 लिस्ट में आते हैं। उनकी सफलता को किस्मत का खेल मत समझिएगा। लगातार कड़ी मेहनत लगन से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने खेल को परफेक्शन के स्तर पर ला दिया है। दोस्तों उन्होंने अपने शरीर में ऐसी एक क्षमताएं पैदा कर ली है जो कि बेमिसाल है। खेल में अपना 100% देने वाले रोनाल्डो को फुटबॉल के प्रति समर्पण बेमिसाल है। दोस्तों आइए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कुछ अद्भुत जानकारी हम जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 में पुर्तगाल देश के मैडेरिया शहर में हुआ था। रोनाल्डो के पिता जोस डेनिस अवेरो शहर की म्यूनिसिपैलिटी में मालिक का काम करते थे और उनकी माँ मारिया डोलोरेस एक कुक थी। दोस्तों अपने 4 भाई बहनों में रोनाल्डो सबसे छोटे हैं। उनसे बड़ा एक भाई और 2 बहनें हैं। उनके पिता अमेरिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के फैन थे, इसलिए उनके नाम पर रोनाल्डो का नाम रखा था। दोस्तों रोनाल्डो के पिता को नशे की लत थी जिस पर वो काफी सैलरी खर्च कर देते थे, इसलिए परिवार को काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। जब रोनाल्डो की मां गर्भवती थी तो वे अपनी इस चौथी संतान को जन्म नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब डॉक्टर ने अबॉर्शन से मना कर दिया तो उन्होंने खुद भी गर्भपात के कुछ उपाय किए, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। सोचो अगर ऐसा हो जाता तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हाइट 6 फीट 1 इंच और वजन 80 किलो है। दोस्तों जबरदस्त मस्कुलर बॉडी के क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बॉडी में केवल 10% फैट है। रैंप पर केटवॉक करने वाली फैशन मॉडल की बॉडी में भी 13.8% फैट होता है। रोनाल्डो मैच के दौरान हवा में काफी ऊंची जंप लगाने के मारती हैं। खेल के दौरान वो 5G की पावर से जंप लगाते हैं, मतलब वो एक चीते की लगाई जंप से 5 गुनी ज्यादा पावर से कूदते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई के बारे में। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई सुनकर अच्छे अच्छों को पसीना आ जाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर महीने 38 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। रोनाल्डो की नेटवर्थ लगभग 466 मिलियन डॉलर है जो कि रुपयों में 3500 करोड़ रुपए है। दोस्तों साल 2019 में रोनाल्डो ने 793 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसमें रोनाल्डो का वेतन 453 करोड़ रुपए और बाकी के पैसे एडवर्टीजमेंट से कमाए थे। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्रांड्स की एक पोस्ट डालने का रोनाल्डो 1 मिलियन US डॉलर चार्ज करते हैं, यानी कि लगभग 7 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं रोनाल्डो की टीम के बारे में। दोस्तों जब रोनाल्डो 16 साल के थे तो उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 14 मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड फीस देकर बुक कर लिया था। साल 2018 में रोनाल्डो इटली के जुवेंटस फुटबॉल क्लब के लिए खेल रहे थे, जिसके लिए उन्हें 112 मिलियन यूरो यानी कि लगभग 950 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। दोस्तों रोनाल्डो फुटबॉल के इतिहास में आज तक अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 साल तक लगातार हर सीजन में 50 से अधिक गोल किए हैं। रोनाल्डो के फ्री किक की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मतलब कि 1 सेकंड में 31 मीटर। यह स्पीड अमेरिका के अंतरिक्ष में जाने वाले अपोलो 11 रॉकेट की लॉन्चिंग स्पीड से 4 गुना ज्यादा है ना दोस्तों, अमेजिंग। इसके लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों फुटबॉल की दुनिया का टॉप पुरस्कार फीफा बैलून डी ओर रोनाल्डो को 5 बार मिल चुका है। रोनाल्डो यूरोपियन गोल्डन शूट अवार्ड भी 4 बार पा चुके हैं। दोस्तों केवल 14 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वे फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। इस निर्णय में रोनाल्डो की मां ने उनका पूरा साथ दिया। दोस्तों रोनाल्डो हाई स्कूल भी पास नहीं है पर उन्हें 3 भाषाएं बोलनी आती हैं। वैसे भी जिस ऊंचाई पर आज रोनाल्डो हैं उनके लिए कोई डिग्री महत्व नहीं रखती। रोनाल्डो जब 15 साल के थे उन्हें एक दिल की बीमारी रेसिंग हार्ट का पता चला था। डॉक्टरों के अनुसार ये बीमारी उनके जीवन और खेल करियर का अंत कर सकती थी, लेकिन रोनाल्डो ने यह रिस्क लिया। उनका इलाज हुआ और लेजर सर्जरी के बाद वह एकदम ठीक हो गए। दोस्तों किशोरावस्था में क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल का अभ्यास करते समय पैरों में वजन बांधकर खेलते थे। वो मानते थे कि इस तकनीक से उनका खेल बेहतर होगा क्योंकि वजन हटाने के बाद उनकी स्पीड और भी बढ़ जाएगी। अपने वेट ट्रेनिंग में सेशन के दौरान रोनाल्डो कुल मिलाकर 30,055 किलो वजन उठाते हैं। इतना वजन करीब 16 टोयोटा पेरिस कार के वेट के बराबर होता है। दोस्तों वे रोजाना एबी एक्सरसाइज के 3000 रिपीटेशंस करते हैं। फुटबॉल के एक सीजन में रोनाल्डो किसी ओलंपिक स्प्रिंटर की तुलना में 900 गुना अधिक भागते हैं। रोनाल्डो ने अपने शरीर पर कोई भी टैटू नहीं बनवाया है। इसका कारण यह है कि वो साल में कई बार रक्तदान करते हैं। कई देशों में टैटू बनवाए हुए लोगों के रक्त की कड़ी जांच होती है क्योंकि टैटू बनवाने के दौरान
रक्त संक्रमण बीमारी जैसे कि हेपेटाइटिस और एड्स के खतरे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रोनाल्डो की वाइफ और बच्चों के बारे में। दोस्तों रोनाल्डो की वाइफ का नाम जियोरगिना रोड्रिगियोज है। रोनाल्डो के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़की। रोनाल्डो के बच्चों के नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जेआर, मार्टियो रोनाल्डो। लड़कियों के नाम है ईवा मारिया और अलाना मार्टिना। रोनाल्डो शराब सिगरेट को हाथ नहीं लगाते हैं क्योंकि उनके पिता की मृत्यु 52 साल की उम्र में शराब की लत से होने वाली बीमारी की वजह से हुई थी। रोनाल्डो नहीं चाहते कि वो भी कभी कोई ऐसा काम करें जिससे वो अपने पहले प्यार फुटबॉल से दूर हो जाएं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना 2011 का जीता हुआ गोल्डन बूट अवार्ड नीलाम कर दिया था। नीलामी में मिले 1.5 मिलियन यूरो को उन्होंने गाजा में बच्चों के स्कूल निर्माण हेतु दान कर दिया था। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दो सैंटोस अवेरो है। रोनाल्डो को फेसबुक पर 12 करोड़ और ट्विटर पर 8.5 करोड़ और इंस्टाग्राम पर लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों फुटबॉल के महान खिलाड़ी रोनाल्डो की बायोग्राफी के बारे में आपको जानकर कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।